नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे शातलाई और ये देवसिद है। ये जो जंगल है देवसिद का है, बाबा देवसिद, और इधर बाबा बालकनाथ जी का विराजमान है, और ये जो मंदिर है ऊपर। तो दोस्तों ये मंदिर है, यहाँ से मैं बाबा बालकनाथ जी की गुफा दिखा रहा हूँ आपको। ये साथ में ये जो मंदिर है नीचे, ये बाबा जी की गुफा है, तो आप देख सकते हैं। और नीचे घना जंगल है, जय बाबे दी, जय बाबे दी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर बाबा बालकनाथ जी विराजमान है, और ये धौलगिरी पर्वत है। आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर हैं बाबा जी। दोस्तों नीचे बाबा जी का मंदिर है ही साथ में, ये जो पहाड़ी के बीच में, और ये जो मंदिर है ऊपर बाबा देवसिद का है। जो देवसिद जी हैं वो राजस्थान में विराजमान है, शायद आपने सुना हो, जय बजरंगबली। दोस्तों ऐसे वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा, और बाबा जी की कृपा है तो आप ये देख पा रहे हो। तो दोस्तों जय बाबे दी। दोनों तरफ घने जंगल हैं, और बाबा के दूसरे भक्त भी हैं जो प्रसाद भी छीन लेते हैं और फ़ोन भी छीन लेते हैं, तो इनसे बचाना पड़ता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है बाबा जी का वो पवित्र स्थान जब बाबा जी विराजमान है। नीचे बाबा जी का मंदिर है, पहाड़ी के मध्य, पहाड़ी के टॉप के ऊपर है, सबसे ऊपर यहाँ भरतरी सिद्ध जी हैं। और दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं ऐसा वीडियो बना पाया हूँ, नहीं तो यहाँ पर फ़ोन छीन लेते थे ये बजरंगबली जी के दास जो हैं, ये फ़ोन छोड़ते नहीं हैं, प्रसाद भी छीन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। जय हो भोलेनाथ, तेरी सदा ही जाओ। तो भोलेनाथ का मंदिर आ गया, जय हो। जय भोलेनाथ, हर महादेव, जय हो, जय बाबे दी, जय हो। तो दोस्तों ये है, देख सकते हैं ये नीचे बाबा जी का मंदिर है, और ये है धौलगिरी पर्वत। तो इसके पीछे दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, हमीरपुर में पड़ता है मंदिर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। और नीचे जो सामने आपको शहर दिख रहा है, ये दोस्तों ये है शातलाई, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आती है। तो आप देख सकते हो ये है बाबा बालकनाथ जी का वो पवित्र स्थल जहाँ पर बाबा जी विराजमान हैं, और पूरे जग की यहीं से देख रेख करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नीचे बाबा जी का मंदिर है, बीच पहाड़ी के बीच में, और इतनी बड़ी पहाड़ी है मैं कुछ कह नहीं सकता, और बहुत ही पवित्र गुफा है। तो ये दोस्तों ये सामने से रास्ता पैदल यात्रा भी है, जैसे आप आना चाहो आ सकते हो।
तो दोस्तों अब इसी के साथ ही जय बाबे दी।